मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर के मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा अगले 24 घंटे पूरे देश के मौसम का हाल। आपको बता दें, दिल्ली सहित इन राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, आंधी बारिश की संभावना। 5 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली, यूपी, बिहार में आज भी आंधी बारिश की चेतावनी। देश के अधिकतर राज्यों में जहां गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन राज्यों में असम, कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलजमाव हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। केरल और कर्नाटक में अरब सागर की ओर से चलने वाली तेज चक्रवाती हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। यूपी में 22 मई से मौसम सुहावना होने वाला है। 22 मई से बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, बस्ती, लखीमपुर, गोरखपुर, बरेली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 23 मई और 24 मई को पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार। 22 मई की बात करें तो सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इस दिन रामपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली में कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश हो सकती है। बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बिहार के जिन जिलों में आंधी तूफान की संभावना जताई है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका शामिल है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। राजधानी रांची में आज शनिवार को मेघ गर्जन के साथ रिमझिम बारिश हुई। इसमें तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन हो सकता है और वज्रपात की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। 26 मई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती घेरे ने फिर गर्मी बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब फिर से तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। एक दिन पहले गुरुवार को जहां मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया था, वही शुक्रवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 44.4 और न्यूनतम तापमान बढ़कर 30.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक AK श्रीवास्तव ने बताया कि इन दिनों फिर से राजस्थान के ऊपर चक्रवाती घेरा बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 22 मई तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 23 मई के बाद बादल छाएंगे, साथ ही तापमान में गिरावट की संभावना है। अब दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के बीच बने बादलों की श्रृंखला टूट चुकी है और हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के बादल इस ओर आ रहे हैं। इन बादलों ने छोटे चक्रवात का रूप ले लिया है जिसने पूरे धनबाद को घेरे रखा है। इस वजह से कहीं तेज बारिश हो रही है और कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम में यह बदलाव अभी बना रहेगा। इधर मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद का कहना है कि 22 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर भी झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा और पश्चिमी विक्षोभ के होने वाली बारिश से यहां के तापमान में नरमी दिखेगी। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें UAB News।